हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच को, जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। प्रोनंसिएशन है पर्सोनिफिकेशन, तो एस ओ एन जो है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है और जो केशन वाला के है उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। सो जो प्रोनंसिएशन है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट के पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन, लाइक आई सेड, ऑफ कोर्स इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक आइडिया को या किसी चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, एज इन उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है कि उसके पास जैसे फीलिंग्स भी हों और उसके बारे में हम बात भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो एक इंसान हो, राइट। पर्सोनिफिकेशन, तो एज अ पर्सन ट्रीट किया, उस वर्ड के अंदर ही आया ना पर्सन, राइट। तो पर्सोनिफाई कर दिया हमने एक किसी आइडिया को या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को जिसके अंदर जान ना हो, ऑलराइट। सो इन शॉर्ट, पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट करते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को। तो इससे होता क्या है कि जो राइटर्स हैं वो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनके अंदर लाइफ डाल पाते हैं, मोशन डाल पाते हैं, उनको रिकग्नाइजेबल ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस असाइन करके। सी ऑफ कोर्स जो रीडर्स हैं उन्हें मालूम होता है एट अ लॉजिकल लेवल के जो नॉन ह्यूमन चीज़ें हैं वो फील नहीं कर सकती, बिहेव नहीं कर सकती या सोच नहीं सकती इंसानों की तरह। लेकिन जब हम नॉन ह्यूमन चीज़ों को पर्सोनिफाई कर देता है ना राइटर, तो दैट कैन बी इंटरेस्टिंग और एक क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव वे हो जाता है वो एक राइटर के लिए इलस्ट्रेट करने के लिए किसी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी वट मे बी द पॉइंट दैट ही वॉन्ट्स टू मेक, एज इन द पॉइंट दैट द राइटर वॉन्ट्स टू मेक। तो पर्सोनिफाइंग दैट ऑब्जेक्ट और पर्सोनिफाइंग दैट आइडिया कैन बी एन इंटरेस्टिंग एंड अ क्रिएटिव वे एंड इफेक्टिव एट दैट। नाउ एक और चीज़ ध्यान दें कि ज़्यादातर होता क्या है कि लोग पर्सोनिफिकेशन को एक और चीज़ के साथ कन्फ्यूज करते हैं, एक दूसरे टर्म के साथ कन्फ्यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और पर्सोनिफिकेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ हैं वो हम एनिमल्स को एट्रीब्यूट करते हैं, ऑलराइट। और हम पर्सोनिफिकेशन में क्या कर रहे थे, हम पर्सोनिफिकेशन में ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ थी हम उसको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एट्रीब्यूट कर रहे थे, और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में हम वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आपने वो फॉर एग्जांपल मूवी देखी होगी ज़ूटोपिया, है ना, तो उसमें वो सारे दे आर ट्रीटेड एज ह्यूमंस, राइट, ऑल्दो दे आर ऑल एनिमल्स बट उनको सबको वही ह्यूमन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं एंड दे आर हैविंग जॉब्स जो कि इंसानों की होती हैं। सो दैट वुड बी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ओके, अब सिटी तो लिविंग थिंग नहीं होती ना, उसके अंदर तो कोई जान नहीं है सिटी के अंदर, इट्स एन इनएनिमेट थिंग। लेकिन हम यहाँ पर उसको, सिटी कोई सोएगी थोड़ी ना, कोई जागेगी थोड़ी ना, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने उसको, जब हमने वो स्लीप वाली बात कर दी, तो वी हैव एट्रीब्यूटेड दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू द सिटी। तो यहाँ पर जब हमने ये बोला द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, सो हियर वी हैव पर्सोनिफाइड द सिटी। तो जब हमने बोला द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, यहाँ पर इस idiom में कहने का मतलब क्या था कि कोई भी दिन का टाइम हो, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, लोग आपको हमेशा वहाँ पर मिल जाएंगे इन दिस लाइवली सिटी। सो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ओके, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्स विंग्ड इन द मिडनाइट सिटी। तो स्टार्स क्या आँख मार सकते हैं, क्या कैन द स्टार्स विंक, दे कैन नॉट, दैट इज समथिंग दैट ह्यूमंस वुड डू, राइट। सो यहाँ पर अगेन द स्टार्स आर पर्सोनिफाइड। अनदर एग्जाम्पल कैन बी द ओशन वॉज कॉलिंग हिज नेम। अगेन, कैन ओशन कॉल एनीबडीज नेम, क्या वो बोल सकता है ओशन? नो, इट कैन नॉट स्पीक। बट यहाँ पर अगेन हमने ओशन को वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, यहाँ पर हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, ऑलराइट। लेट मी गिव यू वन फाइनल एंड वन वेरी फेमस एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर। आप सब ने आई एम श्योर ज़रूर सुनी होगी
पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, तो दैट इट्सेल्फ इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन लिटरेचर, बिकॉज यहाँ पर इस एग्जांपल में इस पोएम के अंदर जो शैली हैं वो उस वेस्ट विंड को एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट करते हैं, उसको पर्सोनिफाई करते हैं. तो लिटरेचर में ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है. And with this, we come to the end of the video. I hope it's clear to you now that what personification is. If you like the video, then do not forget to like, comment, and subscribe. If you want, you can also follow me on my social media. Thank you so much.